हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड स्टडी। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जो नहीं पूछे गए प्रैक्टिस के लिए मैं आज करेंगे। उसके बाद मैं अलग से जो एग्जाम में पूछे गए बेसिकली उसके लिए फिर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मतलब अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ओनली डेफिनेशन ही सीखेंगे, इससे काफी रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आज जितने हो पाएंगे इतने तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। तो बेसिस पहले होता क्या है उसके बारे में हम बता लेते हैं। बेसिस को पढ़ने के लिए क्या क्या टॉपिक मुझे आने चाहिए, जैसे बेसिस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिस के लिए मुझे पहला आना चाहिए एल आई। एल आई अच्छे से निकालना चाहिए। एल आई के लिए आपको आइक्लन फॉर्म आई थिंक सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि आइक्लन फॉर्म अगर आ जाता है तो एल आई आपको अच्छे समझ में आ जाता है। और एल आई अगर आपको आ गया तो बेसिस चेक करना आपको आ जाएगा, क्योंकि कोई भी सेट आपको दिया गया है तो आप कैसे चेक करेंगे कि मेरे बेसिस होंगे या फिर इनके जो वेक्टर हैं ये बेसिस के वेक्टर हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको एल आई निकालना आना चाहिए, बात समझ में आ गई। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट होता है, अगर आपको बेसिस आ चुका, ठीक है, तो फिर आता है डायमेंशन। तो फिर हम लोग बेसिस में जो वेक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होते हैं बेसिस में उनको मैं डायमेंशन बोलता हूँ। सिंपली वे में मैं ये बोलूँ कि इंडिपेंडेंट वेक्टर, मैं ऐसा बोलूँ कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे डायमेंशंस होते हैं। या फिर ऐसा बोल दूँ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर मेरे पास मान लीजिए मैंने कहा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू, मैंने आपसे इसमें पूछा कि पिवट वेरिएबल्स क्या है इसमें, ठीक है, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू टू माइनस वाई, राइट। तो यहां पर जो मेरा ये y हुआ ये तो डिपेंडेंट हुआ ना, सॉरी ये इंडिपेंडेंट हुआ, और ये x क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ, ये डिपेंड कर रहा है y पर, क्योंकि आप कुछ भी आप y डाल रहे हैं तो x उसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये फिर मेरा क्या हुआ, ये डिपेंडेंट हुआ, ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तो हमने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये वेक्टर जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इंडिपेंडेंट वेक्टर बनेगा। तो यहां पर मैं इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात करने वाला हूँ। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या बताने वाला हूँ कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, वो सभी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आप काउंट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डायमेंशन कहलाता है। इसको ब्रीफ हम लोग सीखेंगे, तो पहले जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि इसमें यार इस कमरे में कम से कम 19 लोग हैं, ठीक है, जिनमें से एक मैं जानता हूं राहुल, बाकी सारे उसके दोस्त हैं। राहुल को मैंने जाना कि वो राहुल है, लेकिन बाकी कौन है मुझे नहीं पता। तो 19 थे, एक मैंने जाना तो वो मेरे लिए क्या हुआ, नोन हो गया, बाकी सब क्या हो गए, अननोन्स हो गए, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या हुई, मैं इनको डायमेंशन क्या कैसे दे दूंगा, तो यहाँ पे 19 लोग थे, मैं 19 डायमेंशन नहीं देने वाला हूँ या 19 डायमेंशन नहीं देने वाला हूँ, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 18, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अननोन्स होंगे ना वो क्या है, वो मेरे पास वो सभी क्या है, ठीक है, वो अननोन्स क्या है, नंबर ऑफ अननोन्स वो मेरे क्या है, डायमेंशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो नोन हो जाएगा वो मेरा डायमेंशन नहीं होगा। नॉन आपको देखना है कि कौन मुझे पहले से पता हो गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया था x और y, तो आपको पहले से पता क्या हो गया कि आपका x नॉन हो गया और y क्या हो गया, अननोन हो गया, क्योंकि जैसे आप y रखेंगे तो x आपका निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा नहीं है आप y को रख लीजिए, इसको इधर भेजिए तो x रखेंगे तो y निकल के आएगा, यानी एक वेक्टर डालने पर दूसरा निकल रहा है, तो एक जो डाल रहा है वो फ्री है, जैसे यहाँ पे y फ्री है, y मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन जो y डालूंगा मैं यहाँ पर तभी तो x मुझे मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y डालने पर x मिल रहा है, तो x y क्या हुआ, फ्री वेरिएबल हुआ, फ्री वेरिएबल दैट मींस इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है, इंडिपेंडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये क्या हुआ, डिपेंड कर रहा है इस पर। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेट्स आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया था, ठीक है। तो डिपेंडेंट की मीनिंग क्या निकल रही है, जो डिपेंडेंट की मीनिंग एक्चुअल में निकल रही है ना वो वेक्टर के साथ होता है, वही मीन जो आप रियल लाइफ में फेस करते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, वही मीन है इनमें सभी में। जैसे मैंने आपको कोई दो वेक्टर दे दिए, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 2 - 4 और 2, ठीक है, और दूसरा मैंने कहा 1 - 2 और 1, मैंने ये दो वेक्टर आपको दे दिए और मैंने कहा क्या ये दोनों वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं, ये वेक्टर्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर ये वेक्टर्स डिपेंडेंट होंगे तो ये सेट भी डिपेंडेंट सेट बन जाता है, अगर वेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाता है, ठीक है। इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट हम लोग बोलते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि यार ये वेक्टर जो है ना मेरा, ये वेक्टर वो इस पे डिपेंड कर रहा है, कैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं इसको लिखाऊंगा 2 - 4 और 2, और इसमें अगर मैंने ले लिया 2 कॉमन, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 - 2 और 1,
ठीक है। और इसको अगर मैंने नाम दिया है वी वन, इसका नाम दिया मैंने अगर वी टू, तो ये हो सकता है मेरा क्या, ये हो सकता है वी वन इक्वल टू टू वी टू, है ना। वी टू जो डाला उसके अकॉर्डिंग वी वन निकल के आया है। वी टू मैंने डाला वन कामा माइनस टू कामा वन, तो मेरा वी वन निकल के आ गया टू माइनस फोर कामा टू, हो गया डिपेंडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये आप समझ चुके हैं कि कैसे एक दूसरे पर वेक्टर हमारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वेक्टर अगर डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर, तो हम पक्की बात कह देंगे कि वो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट सेट होगा, जिस सेट में अगर वेक्टर से एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप कैसे पता करेंगे कि डिपेंडेंट डिपेंडेंट, तो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उसे पता कर सकते हैं। कुछ केसेस होते हैं, कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उनके हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि एल आई है या एल डी है, ठीक है। अभी मैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ वो सिंपल है, वो मेरे पास बेसिस चेक करने के लिए होगा और डायमेंशन। तो बेसिस क्या होता है पहले वो हम लोग जान लेते हैं, बेसिस, ठीक है। जब मैं बेसिस डिफाइन करने की बात आए, आप ज्यादा रटे नहीं, इसको समझे। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट एस है, अब इसमें वेक्टर्स हैं, ठीक है, वो मान लिया यू वन यू टू एंड यू थ्री एंड एंड सो ऑन यू एन, या फिर कुछ भी ऐसे फाइनाइट वेक्टर में ले रहा हूँ, यहाँ पर यू एन ले लिया मैंने समथिंग, ठीक है। ये अगर वेक्टर्स हैं, वो मैं इसको बोल रहा हूँ इज अ बेसिस, सिंपल मैं इसको बेसिस बोल रहा हूँ। अब इसको मैं बेसिस कब बोल सकता हूँ, ठीक है। अब ये बेसिस कब होगा ये जानते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा कि बेसिस के लिए क्या होना चाहिए, एल आई होना चाहिए। पहली चीज तो होना चाहिए कि अगर ये सेट, यानी ये जितने भी इसके वेक्टर्स हैं, ये बात करूँ ये सेट है, अगर ये सेट मेरा एस इज एल आई हो जाता है, एल आई मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। अगर ये सेट एल आई हो जाता है तो बेसिक तरीके से मैं इसको बोल सकता हूँ ये बेस है, ठीक है, यानी बेसिस है। अब ये बेसिस है तो पक्की बात है कि अगर मैं इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करूँ, तो ये सेकेंड पॉइंट ये होता है कि अगर ये जो एस है, जो ये इसके वेक्टर्स हैं, अगर इसके वेक्टर सबसेट होते हैं वेक्टर स्पेस के, जो वेक्टर स्पेस होता है वाटर फील्ड एफ पर, अगर ये इसका सबसेट होता है, ठीक है, और मैं इसका लीनियर स्पैन निकालूं, ठीक है, अगर मैं इसका लीनियर स्पैन निकालता हूं तो वो क्या था, वी के को लगाता है। अब ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन किया था लीनियर स्पैन के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एग्जांपल बताए थे, डेफिनेशन बताई थी, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लीनियर स्पैन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, मैं आपको सिंपल आज बेसिस बताऊंगा, ठीक है। तो है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के हेल्प से बताना चाहूंगा कि बेसिस कैसे। मान लीजिए मेरे पास कोई सेट एस आपको मैंने गिवन किया, वन कमा वन कमा टू एंड यहाँ पे थ्री कमा टू कमा वन एंड यहाँ पे मैंने दिया वन कमा माइनस वन कमा जीरो, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया। और मैंने आपसे सिंपली आपसे पूछा कि ये सेट जो मेरा है, ये जो वेक्टर मैंने आपको दिया है वो है आर थ्री, ये आर थ्री के मेंबर है, और मैंने आपसे पूछा ये बेसिस है या नहीं। आपसे क्वेश्चन आया कि बेसिस होगा कि नहीं होगा, ये वेक्टर्स बेसिस के वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे, तो कैसे आप चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आपको चेक करना है, पहला काम है आपको एल आई देखना है, एल आई देखना है, मेन एल आई देखना होता है। अगर एल आई है तो बेसिस है मान लीजिए, ठीक है। तो एल आई कैसे रहेगा, पहले मैं चेक करता हूँ एल आई है कि नहीं है, तो एल आई, ठीक है, एल आई देखते हैं। तो कैसे देखेंगे, तो मैं इसको एक्लन फॉर्म्स लगा रहा हूँ, एक्लन फॉर्म, तो वन वन टू एंड थ्री टू वन एंड वन माइनस वन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो वन वन टू एंड थ्री टू, तो कोई हम ऐसे की इधर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हो चुका, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालते हैं एक बार जरा, तो देखिए क्या आएगा। तो मुझे ये जीरो बनाना है क्योंकि एक्लन फॉर्म बनाना है, तो मुझे ये जीरो बनाना है, मुझे ये वेक्टर जीरो बनाना है, ठीक है, और मुझे ये वेक्टर क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो पहले मैं इन दोनों को जीरो, पहले इन दोनों को मैं जीरो बनाता हूँ, फर्स्टली मैं थ्री और वन को मैं जीरो बनाऊंगा, तो कैसे, बाई, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ये आर टू है आपका, ये आपका आर थ्री है, ठीक है, तो मैं आर टू को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आर टू चेंज कर रहा हूँ, और कैसे चेंज कर रहा हूँ कि आर टू प्लस यहाँ पे कर रहा हूँ माइनस थ्री से आर वन मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आर वन है मेरा, आर वन में मैंने माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करके आर टू में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब मैं आर टू में ऐड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा जीरो, सिंपली जीरो हो जाएगा। अब मुझे इसको जीरो बनाना, तो इसको कैसे जीरो बनाऊंगा, इसमें मैं अगर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा ये भी। तो मैं इसमें क्या कर दूं कि मैं इसमें माइनस वन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो ये भी हो जाएगा जीरो, तो ये हो जाएगा सिंपली वन वन टू एंड ये हो जाएगा जीरो, और ये आपका आ जाएगा क्योंकि माइनस थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, तो आ जाएगा माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा
माइनस थ्री टू जो सिक्स एंड माइनस फाइव हो जाएगा ये आपका, और ये हो जाएगा आपका सिंपली जीरो, ये जीरो हो गया, और यहाँ माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस टू, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस वैल्यू वेक्टर को जीरो बनाना है, बिकॉज मैंने आपको बताया था ये प्लेस, इतने प्लेस आपको जीरो करने होते हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको जीरो बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा भाई, तो इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ कि ये आर थ्री है, तो मैं आर थ्री को चेंज कर लेता हूँ, और अगर मैं आर टू में मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें ऐड कर दूँ तो कुछ काम हो सकता है, तो मैं इसमें माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ तो कुछ काम मेरा हो सकता है। इसको नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसको करूँगा तो फिर यहाँ पे नॉन मेरे पास जीरो के अलावा कुछ नया वेक्टर आ जाएगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे जीरो ही करते रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वन वन टू एंड ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस फाइव, एंड ये हो जाएगा जीरो, एंड ये भी हो जाएगा मेरे पास जीरो, एंड ये हो जाएगा कितना, फाइनली मेरे पास माइनस टू से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे आएगा टेन, और टेन इसमें ऐड होगा तो हो जाएगा इसमें एट। तो आप इसमें नॉन जीरो रोज का काउंट करेंगे, ठीक है, नॉन जीरो रोज। तो अगर इसमें नॉन जीरो रोज काउंट करें, ठीक है, वन टू थ्री, यानी जितने भी इसके रोज हैं वो सभी अगर ऑल नॉन जीरो रोज होते हैं, अगर इनमें से कोई एक रो जीरो हो जाए, ठीक है, तो अलाइन ही होगा। अगर जितने रोज हैं सभी रोज नॉन जीरो रोज हैं, नॉन जीरो रोज समझ में आ रही ना, कोई रो ऐसी ना हो जिसमें सभी वेक्टर्स क्या हो, जीरो। तो इसमें देखो ऐसा कोई रो मुझे मिल रहा है जिसमें सभी वेक्टर्स जीरो हो, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वी कैन से ये क्या होगा आपका एलआई होगा, ठीक है, डेफिनेटली ये मेरा क्या होगा एलआई होगा। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं ये एलआई होगा, ठीक है। तो एस क्या हो गया, एस इज एलआई। तो अगर एस इज एलआई है तो नेक्स्ट पॉइंट हमें बचता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एस मेरा अगर एलआई है तो वी कैन से कि मेरा क्या होगा बेसिस होगा, तो एस इज अ बेसिस, सिंपल। आपको बस ओनली एलआई चेक करना है, इतना याद रखो, ओनली एलआई चेक करना है। जैसा इसमें अगर आपको चेक करना है तो केवल एलआई चेक करना और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा यहां से बताओ कोई डाउट हो तो, आई होप ये पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको और ध्यान से समझने, ठीक है। मैं एक इसमें एग्जांपल और ले लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो हो जाता, इसी को मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर ये जीरो हो जाता, कैसे भी आप ऑपरेशन लगाते मतलब करते चले जाते, एक आपको ऐसा एग्जांपल मिला कि यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। अब ये एलआई होगा कि नहीं होगा, ये एलआई होगा नहीं होगा, ठीक है, एलआई नहीं होगा, ये क्या होगा एलडी होगा, ये क्या होगा एलडी होगा, कंफर्म एलडी होगा यार, क्यों, क्योंकि ये इसमें अगर नॉन जीरो रोज काउंट करोगे तो इसमें नॉन जीरो रोज काउंट किया मैंने तो क्या आ गया मेरे पास, ये पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो आप काउंट करें तो ये एक रो ऐसी है जिसमें जीरो वेक्टर आ रहा है, यानी सभी जिसके ऐसा रो मुझे मिला जिसमें सभी जितने वेक्टर्स हैं सब क्या रहे, जीरो आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ नॉन जीरो रोज नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका थर्ड रो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अगर थर्ड रो जीरो हो रहा है मतलब ये एलडी गया, अगर ये एलडी गया तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, इसका मतलब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें अगर लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन निकालेंगे अगर आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से मिलेगा कि यहां से आपको मतलब कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, एक से अधिक लीनियर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, करके देख लेना मैं आपको अगर बताऊं इसमें। तो यहां से हो जाएगा मान लीजिए अल्फा वन, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस अल्फा टू, और यहां से आ जाएगा मेरे पास टू अल्फा थ्री इक्वल टू मेरे पास समथिंग कुछ भी, ठीक है, जीरो, और यहाँ से आ जाएगा माइनस अल्फा टू एंड यहाँ माइनस फाइव अल्फा थ्री इक्वल टू मेरे पास जीरो, अल्फा थ्री को आप मान लेंगे के समथिंग कुछ, ठीक है, तो अल्फा टू निकल आएगा, अल्फा वन निकल आएगा, तो मेरे के मेरा क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो मतलब ये वैल्यूज क्या देंगे, अगर रियल नंबर मेरे पास इनफाइनाइट वैल्यूज है तो इनफाइनाइट हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने हमारे पास कॉन्स्टेंट यानी जितने स्केलर्स वैल्यू आएंगी उसके उतने लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ से क्या बात निकल के आ रही है, अगर वो एल डी होगा, अगर वो एल डी होगा तो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनाओगे वो यूनिक नहीं हो सकता, वो यूनिक नहीं हो सकता, वो क्या होंगे, वन मोर देन होंगे, वन मोर देन मतलब टू फोर सिक्स एंड सो ऑन, वन मतलब वन मोर देन टू फोर थ्री फोर सिक्स मतलब कितना भी आ सकता है लेकिन यूनिक नहीं हो सकता। तो हमने बस सीखी ऑब्जर्वेशन से कि यहां से अगर वो एल डी हो जाता है, मतलब गलती से एल डी हो गया, तो एलडी मतलब क्या हुआ, अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूं, उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो वो फाइनाइट नहीं हो सकता, सॉरी वो यूनिक नहीं हो सकता, वो क्या होगा कि बढ़ता ही आएगा, वन मोर देन होगा, वन मोर देन होगा। तो यहां से एक नई डेफिनेशन निकल के चली आती है कि अगर आप कोई वेक्टर दिया गया, ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन से करता हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन से करता हूं, तो वो क्या होगा, यूनिक होगा,
वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो यानी ये कहां से आता है, ये ऑब्जर्वेशन करो, तो ध्यान से देखो यूनिक निकल आया मेरे पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन इसका यूनिक दिखा देता हूं, इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन चेक करो, अगर वो यूनिक हो जाता है तो कुछ अदर कोई बात चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आपके पास डायरेक्टली बोल दो कि मेरा बेसिस होगा। अगर यूनिक नहीं होता है, वन मोर देन बेसिस लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड हो सकते हैं उसके, तो पक्की बात समझ लेना कि ये बेसिस नहीं है। अब आपको तो यार लीनियर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे सीख रखा है और मैंने इसके लिए लाटा क्वेश्चंस बहुत, मतलब इतने क्वेश्चंस करा दिए थे आपको कि आपका लीनियर कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट तो पूरी अच्छे क्लियर ही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिस का कंसेप्ट भी मुझे क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते हैं और वन मोर देन पॉसिबल ना हो, ओनली वन ही पॉसिबल हो, तो वहां पे आप डेफिनेटली बोल सकते हैं कि वो जो वेक्टर्स हो रहे हैं, जो सेट मिल रहा है आपको, वो क्या है, बेसिस है, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब बात करते हैं डायमेंशन की। अभी तो मैं और भी क्वेश्चन चेक करूंगा, अभी डायमेंशन में डायमेंशन बता दूं, फिर मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे ना बेसिस एंड डायमेंशन से रिलेटेड, ठीक है। इसलिए मैं पहले आपको डायमेंशन की भी डेफिनेशन बता ही देता हूं, ठीक है। फाइनली तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, बेसिस के नंबर ऑफ वेक्टर्स जो होंगे उन्हीं को बोलेंगे डायमेंशन। अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स बेसिस में n है तो डायमेंशन n होगी। नंबर ऑफ वेक्टर्स अगर n प्लस वन है तो बेसिस क्या होगा, सॉरी डायमेंशन क्या होगी, n प्लस वन होगी। यानी कि डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन जो बेसिस में नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे बेसिस में उसकी डायमेंशन उतनी ही होगी। तो डायमेंशन डिफाइन करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। ऐसा है कि टाइम निकाल कर भाई पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम है ना आज पूरा टॉपिक क्लियर करा के ही मानेंगे, ठीक है। और अभी मैंने जो क्वेश्चंस लिए ना बहुत ही इजी क्वेश्चंस लिए हैं, अभी तो इजी क्वेश्चंस है, खाली हमारे कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, ताकि मैं इससे कुछ रिजल्ट निकाल कर आपको लिखा सकूं, आपको बता सकूं, ठीक है। रिजल्ट ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली लिख दूं और आप याद कर लें तो मजा नहीं आएगा, मतलब आप क्या करें, समझे, ऑब्जर्व करें और फिर रिजल्ट निकालें, तो ये मजा आने वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, पहले मैं इनको देखूंगा और फिर इनसे रिजल्ट निकल के आएंगे यार, बातें निकल के आएंगे यार, भावनाएं निकल के आएंगे क्वेश्चंस की, और फिर इनको ऑब्जर्व करके हम लोग अपने रिजल्ट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है मेरे पास, कि जो मेरे पास स्पेस है वो R4, ठीक है, R4 का स्पेस है, वेक्टर स्पेस, और उसका कोई मेरा सेट दिया गया है जिसको मुझे चेक करना है कि मेरा बेसिस होगा कि नहीं होगा, सिंपल। तो वो तो आप अभी जैसे मैंने किया था वैसे कर सकते हैं। अच्छा, बेसिस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं होगा तो ये बोल दिया जाए कि इसके सबसेट का बेसिस क्या हो सकता है, मे बी सबसेट का बेसिस, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, तो वो आप निकाल सकते हैं, मैं आपको वो भी मेथड इसमें साथ में बता दूंगा। तो पहले ये सिंपल क्वेश्चन चेक करते हैं, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट्स जो होंगे ना वो भी हम लोग यहाँ पे निकालना सीख लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स इन्हीं क्वेश्चन से मेरे आपको रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, और बहुत ही इजी वे में आपको समझ आएंगे और याद भी हो जाएंगे तुरंत, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना, मैंने पहले बताया टाइम निकाल कर ही पूरी वीडियो देखिए, लेकिन जब भी देखिए पेन और कॉपी के साथ देखिए, आप ये नहीं कि मूवी की तरह देख रहे हैं, मजा नहीं आने वाला है, ठीक है भाई, इंजॉय करके देखना है, फील करना है मैथ को, तभी मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट अपने पास, पहला क्वेश्चन अपने पास है कि s इक्वल टू दिया गया, ये तो R4 का है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका क्या कर लेते हैं भाई, तो इसका मुझे करना है आइकलन फॉर्म बनाना है, ठीक है, पहला काम आपका आइकलन फॉर्म बनाना है। चलो इधर से करते हैं ताकि अच्छे से सारे क्वेश्चन हम लोग कर पाए, ठीक है। तो आइकलन फॉर्म पहले बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है मेरे पास 1 1 1 1 एंड 1 2 3 2 एंड 2 5 6 4 एंड 2 6 8 5, ठीक है। तो पहला आइकलन फॉर्म सॉल्व करने का मेथड क्या है कि आप भाई इनको इसको 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 जीरो बनाएं, फिर इसको इसको जीरो बनाएं, फिर आप क्या करें इसको जीरो बनाएं, बस सिंपली। तो ये आप जो लोअर अपर ट्रायंगुलर टाइम नहीं बनाते हो वैसा बना लो, तो ये होता है आइकलन फॉर्म का शुद्ध मेथड, आइकलन फॉर्म आपको बनाना है। इन जनरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, किताबी लिखा तो किताब में लिखा ही, वो तो पढ़ी लोगे, तो इसको नॉर्मली लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, सिंपल वे में पढ़ते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ज्यादा इसको रट्टाफिकेशन मत बना, बहुत ईजी है यार। लीनियर अलजेब्रा जैसा इजी टॉपिक मैंने कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, ये मान लो, तो बहुत इजी टॉपिक है, इसको फिनिश करते हैं। तो हमने क्या कहा, इसको पहले जीरो बनाते हैं, यार ये जीरो कब होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि R2 में R1 में क्या करता हूँ, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर दो। R3 कब जीरो होगा भाई, R3 तब जीरो होगा जब 1 में माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जीरो बनाने में क्या करूंगा, तो R4 में 1 में क्या करता हूँ, माइनस वन से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा,
ठीक है। तो सिंपली देख इसको जल्दी करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 2 2, ये हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरे पास, कर लेना भाई 4 नहीं होगा, ठीक है, बहुत स्पीड से हो रहा था। तो 5 में अगर मैं 2 से सबट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 4, ये इस तरह आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास ये कितना था आपका, ये आपका था 1 2 3, ये 3 था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको कर रहा हूँ तो 0 हो गया, और यहाँ पे 3 में 1 जाएगा तो आएगा 2, यहाँ पे 6 में 2 जाएगा आएगा 4, 8 में 2 जाएगा आएगा 6, 2 में 1 जाएगा आएगा 1, 4 में 2 जाएगा आएगा 2, एंड 5 में 2 जाएगा आएगा 3। कंफर्म हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट धागे देखते हैं कहाँ, ठीक है। अब मुझे 0 बनाना है, किसको, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। ये 0 कब बनेगा, ये 0 बनेगा, ठीक है। अब समझना, मैं इसमें क्या करता हूँ, आर 3 है मेरे पास, और मैं आर 2 में माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और आर 4 है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ, आर 2 में माइनस इधर 2 से और इधर माइनस 1 से, कर लीजिए तो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये हो जाएगा मेरे पास 1 1 2 2, ये हो जाएगा 0 1 3 4, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 में 0 कोई मतलब है नहीं, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा 0, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये आपका मैंने क्या कहा, अगर मैं इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 0, तो 0 ऑलरेडी रहेगा, और अगर आप इसमें माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो माइनस 1, एंड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो माइनस 1, यहां तक तो आपका समय आ गया होगा, ठीक है। अब कहानी क्या है, आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे बनाना है इसको 0, चलो इसको 0 कब बनाएंगे, जब आप इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, अगर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई, यहां पे इस बार मैं लगाता हूं r, और यहां पे मैं कर देता हूं कि 4 है, और 3 में आप क्या करते हैं माइनस कितना 1/2 से, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या 1 1 2 2, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। उसके बाद 0, ये हो गया 1 3 4, और ये हो जाएगा 0 0, माइनस 2 माइनस 2, और ये हो जाएगा आपके पास 0 0 0 0। ओहो, डायमेंशन यानी जो वेक्टर है मेरे पास v इक्वल टू r 4 से है, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन ऑफ r 4 इक्वल टू कितना आया 4, ठीक है। तो 4 है तो यानी यहां पे जो नॉन जीरो वेक्टर होने चाहिए कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए थे, तब ये li होगा, नहीं li नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पे देखो कितने हैं, यहां पे 3 नॉन जीरो रोज है मेरे पास, ये दे 1 2 3, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो बड़ी समस्या है। तो ये li होगा या ld होगा, क्यों, पक्की बात है ld होगा, तो li तो होगा नहीं, तो क्या होगा ld होगा, तो ld होगा, ठीक है। तो ये तो बेसिस, क्या ये बेसिस के वेक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, ये बेसिस के वेक्टर नहीं हो सकते, ये सेट के बेसिस वेक्टर नहीं हो सकते। देखो ये तो समझ में आ गया हमें, ठीक है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो समझिए, सेकंड क्वेश्चन में ये 2 वेक्टर है ओनली, ठीक है, लेकिन मुझे इसको एक्सटेंड करना है टू द बेसिस ऑफ आर 4। अगर आर 4 में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिस में जो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ वेक्टर्स वो किसके इक्वल होंगे, वो डायमेंशन ऑफ आर 4 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ आर 4 की बात अगर हम करें, डायमेंशन ऑफ आर 4 की बात करें, वो कितना हो जाएगा, हो गया 4, यानी कि मुझे बेसिस में कितने वेक्टर्स चाहिए 4, और यहां पे कितने वेक्टर्स हैं 2। तो कैसे करेंगे, अगर आर 4 की बेसिस की बात कर रहा हूं तो उसमें बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए, 4 वेक्टर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आर 4 की बेसिस, उसकी बेसिस की बात कर रहा हूं, R4 की बेसिस की बात कर रहा हूं, समझना। तो उसमें मस्ट है कितने वेक्टर होने चाहिए, 4 वेक्टर होने चाहिए, ना तो कम और ना तो ज्यादा। तो अब भैया जी, अब आप बात ये आ जाती है कि यहां पे तो 2 वेक्टर हैं, अलग अलग कहां से आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मान बात करूं आर 2 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, तो आप बोल देंगे 1, 0 एंड 0, 1, ठीक है। मैं बात करूं आर 3 के स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे 1, 0, 0, ठीक है, 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1, अदर भी होते हैं लेकिन हम लोग ये मोस्टली यूज करने वाले हैं, ठीक। आर 4 की बात करें स्टैंडर्ड बेसिस क्या होते हैं, तो आप लिखेंगे 1, 0, 0, 0, ठीक है, एंड 0, 1, 0, 0 एंड 0,
जीरो कमा वन कमा जीरो एंड जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा वन, ऐसे। ठीक है भाई, तो आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे यहां पर एलिमेंट्स को, यानी यहां से कुछ वेक्टर्स उठा के यहां पे ऐड कर सकते हैं। मीन चीज ये, तो क्या मैं इसमें डायरेक्टली ऐड कर दूं? नहीं भैया, ऐसे तो आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, ऐड करने का एक प्रॉपर मेथड है। वो मेथड क्या है कि फर्स्ट ऑल हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे जो वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, जो वेक्टर्स गिवन है उनके साथ मतलब आइक्लन फॉर्म पहले बनाओ, उनका आइक्लन फॉर्म बनाओ, जो भी आइक्लन फॉर्म रिड्यूस कर पाओ कर लो। ठीक है, आइक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद अगर वो आइक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो पाए जितने, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इन वेक्टर्स को साथ में ऐड कर लेते हैं। अब इन वेक्टर को ऐड कर लेंगे तो हमारी कहानी अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। बात समझ आएगी नहीं? इन वेक्टर को तब ऐड कर सकते हो, वो भी ऐसे आइक्लन फॉर्म बनना चाहिए इस टाइप से, मतलब इन वेक्टर को इस हिसाब से ऐड करना है तुम्हें कि वो एक आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और अगर वो आइक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वही बेसिस के वेक्टर बन जाएंगे। मेरी बात समझ में? भाई फोर है, फोर के फोर आप यूज नहीं कर सकते, कौन से यूज करेंगे वो टाइम बताएगा। ठीक है ना, तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास वन कमा वन कमा वन कमा वन एंड टू कमा टू कमा थ्री कमा फोर, ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर्स है। तो फर्स्ट रोल मुझे इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये जीरो बनाते कैसे, इसको जीरो बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आर टू वन में माइनस टू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से ये आपका ऐसा हो जाएगा वन 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 वन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो जीरो थ्री सॉरी टू एंड थ्री, ऐसा होगा क्या? नहीं, यहां पे होगा आपका वन और यहां पे आपका होगा टू। ठीक है, ये मेरे पास होगा, तो हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां तक हो गया। अभी इसके आगे रिड्यूस हो नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि भाई इसके आगे कोई, इसके पास वेक्टर ही नहीं है, तो क्या रिड्यूस करेगा अपना। तो मैंने क्या किया, इतना कर लिया, अब मुझे क्या करना है, सोचने वाली बात है। ठीक है, मेरे पास बेसिस में, स्टैंडर्ड बेसिस में इसके अगर मैं बात करूं कितने वेक्टर्स होते हैं मेरे पास, तो वन कमा जीरो कमा जीरो कमा जीरो होते हैं, अगला जीरो कमा वन कमा जीरो कमा जीरो होता है, अगला मेरे पास होता है जीरो कमा जीरो कमा वन कमा जीरो, अगला जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा वन होता है, ये वेक्टर्स मेरे पास होते हैं। ठीक है, मैं इसमें यूज कर सकता हूँ जीरो कमा जीरो, ये ऑलरेडी, क्योंकि मुझे बनाना आइक्लन फॉर्म, तो मैं स्पेनिंग करने वाला हूँ, तो स्पेनिंग नाउ स्पेनिंग स्पैनिंग स्पैनिंग करने वाले, अगर स्पैनिंग इसमें करके देखो आप, ध्यान से समझिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा डीप में मतलब इसमें जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बड़ा सिंपल है ये। ठीक है, दो जीरो हो चुके हैं, दो जीरो हो चुके हैं, तो ये तो आप ले नहीं सकते हैं। ठीक है, अब एक तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो मुझे कितने जीरो की जरूरत है, एक तो मेरे पास, क्योंकि फॉर्म मेरा कैसा होता है, मान लीजिए ऐसा फॉर्म होता है, तो यहाँ जीरो होना चाहिए, फिर ये दोनों जीरो होने चाहिए, फिर ये ऐसे जीरो होने चाहिए थे। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए था, तो यहाँ पे देखो इसकी जरूरत कौन पूरी कर रहा है, ये पूरी कर देगा, इसकी जरूरत तो ये तो पूरी कर ही रहा है, और इसकी जरूरत ये पूरी कर देगा, तो इसका मतलब मैं इसको नहीं ले सकता और मैं इसको भी नहीं ले सकता, मैं कौन कौन से वेक्टर ले सकता हूँ, ये और ये, मेरे पास दो वेक्टर आ गए। तो नाउ स्पैनिंग वेक्टर, कौन कौन से वेक्टर हम स्पैनिंग कर लेंगे, तो ये वेक्टर कौन सा बेटा, ये वेक्टर है मेरा यू टू है, ये कौन सा यू फोर है, बाकी इसको मान लेंगे यू वन और इसको मान लेंगे U3, ठीक है, ये U2 है और ये U4 है, तो मैं स्पेनिंग कर रहा हूँ कितना, U2 इक्वल टू कर रहा हूँ जीरो कमा वन कमा जीरो कमा जीरो एंड, ठीक है, U4 मैं कर रहा हूँ जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा वन। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो स्पेनिंग कर लेते हैं इसका, तो यहां से आपका क्या बन जाएगा, ये वन कमा वन कमा वन कमा वन एंड ये बन जाएगा आपके पास जीरो कमा वन कमा जीरो कमा जीरो एंड नेक्स्ट मेरे पास है जीरो कमा जीरो कमा वन कमा टू एंड नेक्स्ट मेरे पास है जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा वन। अब बताओ सभी हो गए नॉन जीरो, आइक्लन फॉर्म भी है नॉन जीरो पे, तो पूरा एल आई बन गया आपके पास, अगर पूरा एल आई बन चुका है। ठीक है, जब अगर आपके पास एल आई बन चुका है तो लेकिन से कि मेरे पास क्या होगा, बेसिस के वेक्टर्स हो जाएंगे, कौन कौन से बेसिस के वेक्टर हो जाएंगे, तो पहला बेसिस का वेक्टर बन जाएगा वन कमा वन कमा वन कमा वन, दूसरा बन जाएगा मेरे पास जीरो कमा वन कमा जीरो कमा जीरो, तीसरा मेरे पास कौन बनेगा जीरो कमा वन कमा सॉरी जीरो कमा जीरो कमा वन कमा टू एंड फाइनली लास्ट जो मेरे बनेगा वो बनेगा जीरो कमा जीरो कमा जीरो कमा वन।
ठीक है, तो मेरे पास बेसिस हो जाएगा, बेसिस ऑफ आर फोर। तो सिंपली ये भी क्वेश्चन मेरे लग गया है, ठीक है, दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे नेक्स्ट में चेक करना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड ए बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द सबस्पेस ऑफ सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ आर थ्री। ये आर थ्री के सबस्पेस है, ठीक है, तो W इक्वल टू मेरे पास ये है और ये है। देखो सब स्पेस में जरूरी नहीं है कि आपके पास थ्री वेक्टर, यहाँ पे थ्री डायमेंशन, तो थ्री है यहाँ पे, हमारे पास बेसिस में भी होंगे। बेस डायमेंशन का मतलब, सॉरी सब स्पेस का मतलब क्या हुआ कि आप जरूरी नहीं कि उतना ही डायमेंशन रख रहा हो, अगर वो थ्री है तो ये क्या हो सकते हैं, जो इधर बेसिस के होंगे ना, ये सब स्पेस के जो बेसिस होंगे ना, उनमें अगर ये तो थ्री आ सकते हैं, या फिर टू आ सकता है, या फिर वन आ सकता है, या फिर कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं जरूरी नहीं थ्री लेकर घूमू, यहाँ पे टू भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, एंडलेस। तो ये होता है कि अगर इसका हमारे पास बेस, अगर इसका मान लो डायमेंशन, यानी कि वेक्टर स्पेस का डायमेंशन अगर मान लो एम आता है, ठीक है, और बेसिस का सब स्पेस का डायमेंशन क्या हो सकता है, मान लो एम है, तो वो क्या होगा, हमेशा एम लेस आर इक्वल टू एन। यही तो मीनिंग निकल रहा है इसका, यही तो मीनिंग निकल रहा है भाई। भाई जैसे मान लीजिए आपके पास चार टॉफियां हैं, ठीक है, आप किसी को बांटेंगे तो चारों दे देंगे, आपके पास चार टॉफियां हैं, अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो आप ये तो चारों दे देंगे, ये क्या करेंगे दो दे देंगे, ये तो क्या करेंगे एक देंगे, या फिर देंगे ही नहीं, ये तो आप देंगे ही नहीं, ठीक है। आप ऐसा तो है नहीं चार टॉफियां आपके पास हैं तो आप एक उधार मांग के सामने वाले को दान करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। आप क्या करेंगे, आपके पास जो होंगे वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहां पे हमारे पास वेक्टर्स में, यानी जितने सब स्पेस में जितने वेक्टर्स होंगे, उतना ही वेक्टर दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता कभी, तो वो अपने, ये तो पूरे वेक्टर दे देगा, ये तो अपने से कुछ वेक्टर बचाएगा, कुछ वेक्टर देगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कहानी को कुछ ऐसे क्लियर करें। तो ये मैं प्रॉपर्टीज आपको बताऊंगा, मैंने क्या कहा था, समझते समझते हम लोग प्रॉपर्टीज निकालेंगे। पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या निकली है कि अगर मैं किसी स्पेस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्पेस जैसे आर फोर स्पेस आया, तो आर फोर उसके डायमेंशन अगर मेरे पास फोर है और मैं उसका अगर बेसिस बना रहा हूं, तो मस्ट बी इंपॉर्टेंट कि उसके बेसिस में भी उतने ही क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी वेक्टर्स होने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं आर फोर का बना रहा हूं। अभी आपको मैंने डेफिनेशन बताया था, क्या बताया था डेफिनेशन, कि बेसिस में जितने एलिमेंट्स, यानी जितने वेक्टर्स होते हैं ना, जितने वेक्टर्स होते हैं उसकी डायमेंशन उतनी होती है। अगर डायमेंशन आर फोर का मेरे पास फोर है तो फिक्स हो गया ना भैया कि यहाँ पे बेसिस में कितने वेक्टर्स होने चाहिए, फोर होने चाहिए, फिक्स हो गया नहीं हो गया, कन्फर्म। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस वेक्टर का बेसिस निकालना चाहते हैं, आप किस सेट का बेसिस निकालना चाहते हैं, आप किस स्पेस का बेसिस निकालना चाहते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन करना है, मैं आगे बढ़ाता हूँ सीरीज को। अब यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, बोला है फाइंड द बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द स्पेस आर थ्री, ठीक है, एंड वेयर। अब R3 में, यानी कि इसमें कितने हो सकते हैं, ये तो 3 हो सकता है, ये तो 3 के 3 हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, क्या 3 मोर देन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो यानी बेसिस में जो डायमेंशन आएगी वो तो 2 आएगी, ये तो 3 आएगी, ये तो 1 आएगी, कंफर्म हो गया बात, ठीक है। अब या फिर अगर बेसिस में एलिमेंट की बात करोगे, बेसिस में वेक्टर की बात करोगे, बेसिस में वेक्टर कितने आ सकते हैं, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि जितने डायमेंशन होती है उसमें उसके वेक्टर आएंगे, या फिर बेसिस में जितने वेक्टर्स होंगे उसकी उतनी डायमेंशन होती है। तो आप इसको चेक करें, ठीक है, कैसे चेक करें, ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि पहले आप बेसिस निकाल लो उसके बाद डायमेंशन, ठीक है, या फिर पहले डायमेंशन निकाल लो उसके बाद बेसिस निकाल लो, तो कैसे निकालना चाहोगे वो आपकी मर्जी है। तो लेकिन ऐसे तो आप निकाल नहीं सकते हो कि आप निकालते चले जाओ, आपको कैसे निकालना है, आपको पहले डायमेंशन पता हो जाएगी तो बेसिस में कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतने ही एलिमेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको डायमेंशन में बेसिस में उतने एलिमेंट रखने हैं जितने मुझे जरूरत है, ठीक है, बेसिस में ज्यादा एलिमेंट नहीं रखना है, ज्यादा वेक्टर नहीं रखने, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो वेक्टर्स मुझे ज्यादा नहीं रखने हैं, एंट्रीज ज्यादा नहीं रखनी है, मुझे उतनी रखनी है जितनी जरूरत है, जैसे कि मैं इसमें चेक करूँ। तो बेसिस कैसे, सॉरी डायमेंशन कैसे चेक किया जाए, डायमेंशन चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि एज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस सी। यहां पे देखो एज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस सी, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों फ्री हुए कि नहीं हुए, ये दोनों फ्री हुए और ये पिवट वेरिएबल हुआ, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, ये डिपेंड कर रहा है बी एंड सी पर, ये डिपेंड वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रहा है बी एंड सी पर, और बी एंड सी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेक्टर, यानी इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट कौन है, बी और सी है, बी और सी इंडिपेंडेंट है। आर थ्री था उसमें ए तो गया डिपेंडेंट, तो बी बी और सी बचा,
बी और सी बचा तो यही मेरे क्वालिफिकेशन में आ रहा है, इसी के लिए मैं रखूंगा अपने पास। तो बेस यहाँ पे डायमेंशन कितनी हुई इसके पास, तो डायमेंशन हुई इसके पास ओनली टू, तो डायमेंशन हो गई आपके पास, ठीक है, इसकी डायमेंशन हो गई आपके पास ओनली टू। अगर डायमेंशन टू हुई तो बेसिस में वेक्टर कितने होंगे, तो बेसिस में वेक्टर भी मेरे पास कितने होंगे, कितने एंट्रीज होंगी, टू एंट्रीज होंगी, ठीक है। कौन कौन से, तो आप रखें बी की और सी की वैल्यू चूजन है भाई, कुछ भी चूज कर ले आप, एनी थिंग, बस वो रियल नंबर वो फील्ड से उठाना है। अब फील्ड यहाँ पे कैसा है, रियल है, तो रियल से ही उठाओ भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई भी रियल नंबर आप उठा के रख लो। तो मैं रख रहा हूँ इसमें वन, इसमें जीरो, तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो मैं उठा के रख रहा हूँ, पहले मैं उठा के रख रहा हूँ सी इक्वल टू, मैंने उठा के रखा वन एंड बी में रखा मैंने जीरो, यानी सी में रख लो वन और बी में रख लो जीरो, तो एक वैल्यू क्या आएगी, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। तो ए आया माइनस वन, सी मेरा वन मैंने रखा और बी मैंने क्या रखा था, जीरो रखा था। तो ये कि कुछ भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि एक सब स्पेस का एक ही बेसिस मिल जाए, बेसिस बहुत हो सकते हैं, ठीक है, ये बात मत भूलें, है ना। तो ये चीज मेरे पास आई, एक ये बेस निकाला, देखो मैं बी1 कितने बेसिस निकाल सकता हूँ, देखो बी1 में निकाल रहा हूँ इसी का, इसी W का, इसी W1 मान लो, इसी W1 का कितना बेसिस निकाल सकता हूँ, देखो एक तो ये हो गया, मैंने ये चूज किया, उसके बाद मैंने चूज किया, हमने कहा सी इक्वल टू आप रख लो जीरो और बी इक्वल टू रख लो वन, सी इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन, तो क्या हो जाएगा, देखो C इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन, तो आया माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, सी इक्वल टू जीरो हो गया, बी इक्वल टू वन हो गया, एक तो ये हो गया बेसिस बी टू। मतलब इस टाइप से बना सकते हैं बी टू, देखो मैं कैसे बनाता हूँ, मैंने कहा कि C इक्वल टू माइनस वन बी इक्वल टू वन, कुछ भी रख लें यार, तो हम वन माइनस वन इन्हीं में खेल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, तो रख लेंगे, तो आपका आ जाएगा A इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा माइनस वन, रिवर्स कर दो, ये माइनस कर लो ये प्लस कर लो, फिर आएगा जीरो, ये आया माइनस वन, ये आया वन, मैंने बी टू निकाल दिया। अब इस तरह बी थ्री निकाल सकते हो, आप बी फोर निकाल सकते हो, आप बी फाइव निकाल सकते हो, एंड सो ऑन, इस तरह निकालते चले जाओ। तो एक बात और क्लियर होगी कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किसी भी स्पेस का या किसी भी सब स्पेस का कोई एक ही सिंगल बेसिस बनता हो, आप वन मोर देन बेसिस हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो बेसिस आएंगे वो डेफिनेटली एलाई होंगे। बस जब भी आप बेसिस निकालें तो एक बात का ध्यान देना कि वो वेक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। जैसे कि मैंने निकाला यहाँ पर, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि इसके जैसे मैंने निकाला यहाँ पर, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे डिपेंड कर रहे हैं, अगर आप इनका एलआई चेक करें, मैंने एलआई बोला ना, एलआई जरूर होना चाहिए, बहुत बेसिस निकाल सकते हो लेकिन एलआई मत भूलो कि एलआई ना हो, एलआई होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको देखें क्या एलआई है कि नहीं है, तो एलआई नहीं है, मैं क्यों बोलूंगा एलआई नहीं है, नॉट एलआई, मैं एल आई क्यों नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जीरो है, ये वन है, ये माइनस वन है, और अगर इसमें माइनस कॉमन लिया जाए तो हो जाएगा जीरो माइनस वन कॉमन वन, और यानी कि वी वन मान लो, इसको वी टू मान लो, तो वी वन, ठीक है, वी वन इक्वल टू माइनस वी टू, तो ये क्या एल आई होगा, नहीं होगा, नॉट एल आई। अगर एल आई नहीं है तो ये क्या है, एल डी है, एल डी है तो ये मेरा बेसिस नहीं बन सकता। तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कुछ अदर चूज कर लूँ यार, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बोल दूँ कि मेरे पास टू हो जाए सी, और ये मेरे पास हो जाए बी, मेरा माइनस वन हो जाए, तो ये मेरे पास क्या आएगा, वन आ जाएगा, तो ये वन हो गया, टू हो गया, माइनस वन हो गया, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, इस टाइप से। यानी बनाने में बस आपको एक छोटी सी बात को ध्यान देना है, बस छोटा सा काम, मैंने बोलो कुछ भी रखो लेकिन आप जब भी बनाओ तो वो एल आई जरूर होना चाहिए यार, ये एल आई था, ये एल आई नहीं था, देखो मैंने अब बनाया, अब ये एल आई हुआ, बस ये चीज आपको ये ध्यान देना है और कुछ नहीं ध्यान देना है। तो मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप निकल रहे हैं, एक ऑब्जर्वेशन नहीं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन निकल रहे हैं, आप अभी नोट कराऊंगा, सीलर वाइज नोट कर दूंगा, अभी ऑब्जर्वेशन में खाली बताते जा रहा हूँ। जैसे मैंने पहला बताया था कि अगर इसमें इतने हैं तो उसमें जितने भी बेसिस सब स्पेस में उसकी डायमेंशन कितनी हो सकती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, फिर उसमें बेसिस में वेक्टर कितने हो सकते हैं, उसकी बेसिस कितने फाइंड हो सकती है, एवरीथिंग आपको क्लियर हो रहा है। यही तो ऑब्जर्वेशन है, यही तो हम लोग लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता, हम लोग लर्न कर लेते हैं, अब हम लोग समझ रहे हैं तो हमें क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं आपको क्या करना है, जब भी आप डायमेंशन निकालें, अभी तो मैं एक दो क्वेश्चन चेक कर रहा हूं, अभी हम लॉट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है कि इसमें कहानी को समझिए, इसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो यार देखो सी रखूंगा तो बी और ए पता चल जाता है, बी रखूंगा तो ए और सी पता चल जाता है, यानी किसी एक को रख रहा हूं तो दो पता चल रहा है, किसी एक को रख रहा हूं तो दो पता चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दो हो गए डिपेंडेंट किसी एक पर, कोई दो डिपेंड कर रहे हैं किसी एक पर। कहानी को फिर से समझिए, अगर मैं सी रखूंगा तो बी और ए पता चल जाता है, अगर मैं
बी में मान रखूंगा तो ए और सी पता चल जाता है, अगर मैं ए में मान रखूंगा तो बी और सी पता चल जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यही तो निकल रहा है कि इनमें से केवल एक ही फ्री वेरिएबल है, यानी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की बात करें ओनली वन। तो डायमेंशन की कितनी होगी? ओनली वन होगी। तो इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है, डायमेंशन वो कितनी होगी? वन होगी, डायमेंशन डब्ल्यू। अब अगर डायमेंशन इसकी वन है, ठीक है, अगर इसकी डायमेंशन वन है तो फिर वेक्टर्स क्या होंगे, बेसिस क्या होंगे? तो बेसिस यार बहुत सिंपल है, बेसिस कुछ भी बना सकते हो। बेसिस वन कितना हो जाएगा? वन कमा वन कमा वन हो सकता है, टू कमा टू कमा टू हो सकता है, थ्री कमा थ्री कमा थ्री हो सकता है, फोर कमा फोर कमा फोर हो सकता है। ओनली वन वेक्टर देना है, कुछ भी दे दो यार। जीरो कमा जीरो कमा जीरो नहीं हो सकता है, इक्वल तो है लेकिन हो नहीं सकता है। क्यों? रीजन भैया जी, जीरो आपने एलआई में एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ा था कि किसी भी सेट में, किसी भी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट आता है, कोई सिंगलटन सेट होता है, ठीक है, जो सिंगल वेक्टर रखता हो, ठीक है, तो अगर वो नॉन जीरो हो तब तो ठीक है वो एलआई होता है। कन्फर्म समझना मेरी बात को, अगर वो वेक्टर नॉन जीरो होता है तो एलआई होता है, अगर वो नॉन जीरो नहीं होता है, कोई जीरो वेक्टर होता है तो वो क्या होगा? एलडी होता है। प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है, समझिए मेरी बात को। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेट है v इक्वल टू, मान लीजिए ऐसा, ये जीरो है तो इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन करूंगा, सिंपल सी बात, लीनियर कॉम्बिनेशन करना ही पड़ेगा। तो अल्फा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो, आपको पता है अगर ये ऐसा है तो ये जीरो तभी हो रहा है जब ये नॉन जीरो रहा हो, ठीक है, ये मेरा नॉन जीरो भी हो सकता है, ये मेरा क्या हो सकता है? नॉन जीरो। तभी आप मल्टीपल अल्फा कुछ भी चूज करो, तो मैं वन भी चूज कर सकता हूँ, मैं टू भी चूज करता हूँ क्योंकि स्केलर है, तो मैं थ्री भी चूज कर सकता हूँ, मैं फोर भी, और उसके लिए मेरे जीरो वेक्टर फाइंड हो रहा है। अल्फा मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ, मैं चूज कर सकता हूँ वन, मैं चूज कर सकता हूँ टू, मैं चूज कर सकता हूँ थ्री, रियल नंबर कुछ भी मैं चूज कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे ये जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एलडी हुआ। क्या हुआ? एलडी। अगर मैं यहाँ पे कोई नॉन जीरो रख देता हूँ, मान लो सपोज कर लो मैं इसमें कोई नॉन जीरो, जैसे कि अभी तुमने वन कमा वन कमा वन रखा, मान लो वन कमा वन कमा वन रखा, ठीक है, अभी मेरा एलआई क्यों होगा? अभी मेरा एलआई क्यों होगा? क्योंकि आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करके देखें यार, वन कमा वन कमा वन के साथ इक्वल टू जीरो, तो यार ये कब ये जीरो रखेगा? ये क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है और ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये कब ये जीरो बनेगा? जब अल्फा, ये इफ और ओनली इफ, ये तभी ये जीरो बनेगा जब मेरा अल्फा क्या होगा? जीरो होगा। यार अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो के अलावा कुछ भी रख के देख लो, ये जीरो कभी नहीं आ सकता। तो सोल्यूशन इसे लीनियर इक्वेशन का तभी हो सकता ना जब अल्फा आपका क्या हो? जीरो। तो इसका एक ही सोल्यूशन होगा, अल्फा इक्वल टू जीरो, तभी ये मेरा जीरो हो सकता है, अदरवाइज नो। तो मैं क्या कहूंगा? अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा मेरा क्या हुआ? जीरो। तो आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो स्केलर अगर सभी ऑल जीरो आते हैं, क्या आते हैं? स्केलर ऑल जीरो आते हैं, वी कैन से कि मेरा वो क्या होगा? एलआई होगा, ठीक है। तो वी कैन से कि अगर कोई सिंगलटन सेट होता है, कोई सिंगलटन सेट होता है, स्पेस में कोई सिंगल अवयव एलिमेंट्स होते हैं या सिंगल एंट्रीज होती हैं, अगर वो नॉन जीरो होती हैं, तो वी कैन से कि क्या होगा? ये बात समझ आई नहीं? कंफर्म एकदम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, बहुत ही बेसिक पॉइंट था, आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात समझाई कि कैसे वो एलआई होता है, कैसे वो एलडी होता है। तो जीरो कमा जीरो कमा जीरो ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, वन कमा वन ले सकता हूँ, टू कमा टू कमा टू ले सकता हूँ, थ्री कमा थ्री के बाद थ्री ले सकता हूँ, अदरवाइज कुछ भी ले सकता हूँ, नॉट जीरो, जीरो को छोड़कर। तो मैंने आपको ये भी बताया कि बेसिस में एलिमेंट्स को चूज करने के समय बस एक बात को ध्यान देना कि वो एलआई होना चाहिए, वो एलआई होना चाहिए, भले इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ले रहे हो आप, लेकिन वो अगर एलडी हो गया तो आपका बेसिस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे क्या कहता है? बोलता है लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ R4, W मेरा कोई सबस्पेस है R4 का, स्पैंड बाय द वेक्टर्स, वो उन वेक्टर से मतलब उन्हीं से R4 से वो वेक्टर्स मेरे निकाले गए हैं, वो कुछ ऐसा स्पैंड हुआ है, ठीक है। अब ये ऐसा है तो मुझे बताना है कि ये मेरा क्या हो सकता है, ये मेरा अच्छा एक चीज है, जैसे मैंने अभी इसमें लिया था वन कमा जीरो कमा जीरो, जीरो कमा वन कमा जीरो, तो काफी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे, क्या सर मैं यही ले सकता हूँ, क्या केवल यही ले सकता हूँ? मैं आपको एक बात बता दूं, नहीं ऐसा नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ बस ऐसा लें कि वहां पे वो क्या बनना चाहिए, वो आपका आपका वो एलआई यानी एकलन फॉर्म बन जाना चाहिए, उसके सभी रोज जो थे नॉन जीरो होने चाहिए, बस ये सिचुएशन होल्ड करे। आप ऐसे वेक्टर्स लीजिए जो इस सिचुएशन को होल्ड कर जाए, मैं बोल रहा हूँ वो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, और इस क्वेश्चन मैंने एक्सटेंड करने के समय मैंने जीरो कमा वन कमा जीरो कमा जीरो, जीरो कमा वन कमा जीरो, समथिंग ऐसे कुछ लिया था, ठीक है।
तो आपके माइंड में हमेशा ये ना रहे कि नहीं सर क्या मैं हमेशा ऐसा रह सकता हूँ, मैं आपको एक जवाब दे दूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी रह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर फिर से लगाऊं तो मैं इस बार शायद चेंज कर दूं, तो आप घबराएं नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आप कुछ ऐसा लेंगे जिससे वो आइकन फॉर्म बन जाए, ठीक है, और वो एलआई की कंडीशन होल्ड करे, बस इतना याद ले, अगर इतना लेते हैं तो आप सही हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर रख सकते हैं, वो बेसिस का मेंबर बन जाएगा, क्योंकि आप जो स्पैन वैल्यू निकाल रहे, स्पैन वेक्टर निकाल रहे हैं ना, वो कहां से निकाल रहे हैं, आर फोर से निकाल रहे हैं, तो आर फोर से यार कोई भी वेक्टर आ सकता है ना, जरूरी 1,0,0 आए ये 0,1,0 ये समथिंग कुछ भी आए, कुछ ऐसा है क्या, कुछ ऐसा नहीं है, आर फोर से कुछ भी वेक्टर आप स्पैन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही बात मैं इसमें भी कुछ क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट डब्ल्यू बी एस सब स्पेस ऑफ आर फोर स्पैंड बाय द वेक्टर्स, आर फोर के जो वेक्टर्स रहे होंगे, ठीक है, स्पेस में वेक्टर्स रहे होंगे, वहां से मेरे पास स्पैन किए गए हैं ये वेक्टर्स, सब स्पेस बनाया गया उसका, जो W बन रहा है वो इनका कलेक्शन है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक है, अब इसमें मुझे दो बातें फाइंड करनी है, पहले में फाइंड करनी है फाइंड बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W, एंड दूसरे में फाइंड करनी है एक्सटेंड द बेसिस ऑफ W टू ए बेसिस ऑफ R4। अब ये बात तो नहीं बोल दी इन्होंने, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे मैं आपको ये बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट रोल मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, यहाँ पे जो W दिया गया आपको वो लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, W इक्वल टू आपके पास है, ठीक है, W इक्वल टू मेरे पास है U1, U2, U3, चलो मैं ऐसा करता हूँ कि डायरेक्टली मैं इसको एक्लन फॉर्म में लिख लेता हूँ। ठीक है, एक्लन फॉर्म बना लीजिए आप इसका, और 1 माइनस 2 एंड 5 माइनस 3 एंड 2 एंड 3 एंड 1 माइनस 4, ठीक है, एंड 3 एंड 8, आप ऐसे नहीं कि देखते ही आंसर बता देंगे, ये मेरा सब स्पेस है, और जरूरी नहीं कि ये मेरा सभी इसके वेक्टर्स से एलआई हो, इसलिए मुझे देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, समथिंग ऐसे है मेरे पास, अब ये सब स्पेस है तो मुझे इसके अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा, बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इतने वेक्टर्स को हमें क्या करना है, जीरो बना देना है, तो इतने वेक्टर्स मुझे जीरो बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। देखो, अगर ये मेरा वेक्टर स्पेस होता, R4 का मेंबर होता, तो मैं डायरेक्टली इसको देखते ही बोल देता कि ये मेरा एलआई नहीं होगा, लेकिन ये सब स्पेस का मेंबर है, इसलिए मुझे इसको चेक करना पड़ रहा है। मैं बस मना, मैं इसके लिए कुछ एग्जांपल मैंने पहले रख रखे हैं, ताकि आपको ऐसे कन्फ्यूजन ना आए कि मैं इसमें डायरेक्टली बोल दूं ये एलआई नहीं होगा, इसमें बोल रहा हूं एलआई, चेक करना पड़ेगा, तो आप कन्फ्यूज हो जाए, तो मैं इसके लिए मैंने क्वेश्चन पहले ले रखे हैं। ठीक है, आप डाउट ना रखें, तो मैं इसको पहले सिंपली क्या करता हूं, इनको जीरो बनाने की कोशिश करता हूं, तो पहले इन दोनों को जीरो बनाता हूं, तो बाई, ठीक है, कैसे जीरो बनाएंगे, तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि R2 और 1 में क्या कर देता हूं, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1, -2, 5 एंड -3, एंड इसमें जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 0, एंड इसमें करूंगा जब मेरे पास तो आ जाएगा 2, 2, 4, 3, 7, एंड इसमें करूंगा तो आ जाएगा 2, 5, 10, -9, एंड इसमें करूंगा तो 2, 6 और 6, -4 यानी कि 2, कन्फर्म है, इसमें इसको कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा R3 और 1 में कितना कर दिया जाए, -3 कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3, 2, 6, 8 में 6 यानी 14, ठीक है, और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे 15, 15 -3 यानी -18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 3, 9 और 4, कन्फर्म है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें मैं कर देता हूँ बाई, आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं, इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना चाहते हैं, यानी इसको जीरो बनाना चाहते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास R3 और R2 में -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो ये हो जाएगा आपके पास ऐसा 1, -2, 5, -3, ठीक है, 0, 7, -9 एंड 2, एंड ये 0 एंड ये 0 एंड ये भी 0 एंड ये भी 0, ठीक है, ये ऑल ऑफ दिस 0 हुआ, कैसे, आई थिंक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये यहां पर कितना डायमेंशन हो जाएगा इसका, इसका डायमेंशन हो जाएगा 2, जितने नॉन जीरो रोज होंगे उतने उसके डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है, इसके डायमेंशन कितनी हो जाएगी 2, तो W ये डायमेंशन ऑफ W कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी बेसिस क्या हो जाएगा, तो बेसिस B इक्वल टू मैं राइट कर लूं, तो अगर बेसिस राइट करूंगा तो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स आएंगे इनको डायरेक्टली राइट कर लो, तो आया पहले 1, -2, -5, -3,
ठीक है, दूसरा आया मेरे पास 0, 7, -9, 2, ये क्या हो जाएंगे, इनके बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ W हो गया, एक्सटेंड द बेसिस ऑफ W टू ए बेसिस ऑफ R4, यानी इसी बेसिस को मुझे एक्सटेंड कर देना है R4 के लिए। यार जरूरत क्या है, देखो जरूरत क्या है, ये तो जीरो हो गया, इसको हटाओ, इस वेक्टर को हटा दो, क्योंकि मुझे जीरो वो करना है, मतलब इस वेक्टर को पहले काम हटा दो। ठीक है, इसको कोई मतलब ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि इसी बेसिस को मुझे कन्वर्ट करना, तो बेसिस के मेंबर ऑलरेडी है, एक्लन फॉर्म बनना चाहिए, तो ये जीरो है, तो अगला 0, 0, 1, 0 हो जाए। यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट ले लो, यार 3 कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मैंने जैसे जीरो, ये एक्लन फॉर्म को होना चाहिए, तो इधर तो जीरो पक्का आएगा, तो इधर मेरा कुछ भी हो सकता है, हमने 3 ले लिया, यार क्या दिक्कत है। ठीक है, और नेक्स्ट बना लो आप, नेक्स्ट बना लो आप, नेक्स्ट मैंने ये बना लिया कि 3 हो सकता है, 0 भी ले लो, मैंने 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ले लिया था, 3 ले लो। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये 0, 0, 0, 2 क्या ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी एक्सटेंड हो सकता है, या फिर आप इसको 0 ले लें, इसको 1 ले लें, तो ये भी क्या होगा, एक्सटेंड हो सकता है, सॉरी 1 ले लें, तो ये भी क्या हो सकता है, एक्सटेंड हो गया। तो ये दो वेक्टर आप डाल दें, ठीक है, ये भी एक वेक्टर डाल सकते हैं, ये भी एक वेक्टर डाल सकते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी ऐसे 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, और समथिंग कुछ भी ऐसा ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो ये रियल नंबर्स होते हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहीं से स्पैन करना है आपको, यहाँ पर बात समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, तो एनीथिंग चूज कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, तो कई तरीके से बेसिस आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, यूनिक नहीं देता ये पहली बात तो, है ना, लेकिन जो बेसिस होता है वो यूनिक क्लियर कॉम्बिनेशन देता है, ये मत सोचना है कि ये अलग बात हो गई, हमने वो अलग बात बोली, बेसिस जो इस बेसिस जो वेक्टर्स होते हैं अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन किया जाए वही यूनिक देगा, वो मैंने बोला। ठीक है, और अगर बात करूं कि किसी भी सब स्पेस के बेसिस का यूनिक आते हो, तो ये किसी भी सब स्पेस के बेसिस यूनिक नहीं आ सकते, वन मोर लाइन हो सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बात समझाई, क्लियर हो गया ये बात। ठीक है, तो डब्ल्यू बी द सब स्पेस ऑफ R5 स्पैंड बाय दिस। ठीक है, और फाइंड द सबसेट ऑफ वेक्टर्स दैट फॉर्म ऑफ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो ये तो यार आराम से कर सकते हो, बेसिस के इसके सबसेट होना चाहिए डब्ल्यू का, ठीक है, और बेसिस के फॉर्म में, तो ये तो अभी आराम से आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, जैसे मैंने इसको निकाला, सेम है जिसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कर लोगे आप लोग। यहाँ की बात कर लें, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम बेसिस ऑफ R3। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, जैसे 1, 1, 1 एंड 1, 0, 0। देखो R3 की बात कर रहा है, बेसिस ऑफ R3, तो यार R3 की बात कर रहा है, बेसिस ऑफ R3, इस लैंग्वेज को पकड़िए, बेसिस ऑफ R3, तो R3 की बेसिस, तो R3 डायमेंशन कितनी होती है, डायमेंशन ऑफ R3 की बात करें तो कितनी होती है, 3। तो पक्की बात है, बेसिस में वेक्टर कितने होंगे बेटा, बेसिस में वेक्टर होंगे 3, कितने होंगे, 3 होंगे। तो ये पहली बात देखो, 1 और 2 मस्ट बी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 3 वेक्टर ये होने चाहिए, ना कम होने चाहिए ना तो ज्यादा होने चाहिए। तो इसमें क्या है, कम है, तो क्या हो सकता है, बिल्कुल ये तो पहले तो नहीं हो सकता, इसमें क्या है, 1, 2, 3, 4 ज्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, 3 वेक्टर ही होने चाहिए, अब इसमें 3 वेक्टर है तो जरूरी नहीं 3 वेक्टर है तो हाँ बोल दिया ना, अब उसको चेक करेंगे 3 वेक्टर से, तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे बाय एक्लन फॉर्म, उसको एक्लन फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, तो एक्लन फॉर्म बना के इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वेदर और नॉट। ठीक है, तो वी कैन से, तो यहां पे पहली बात मेरे पास है 1, 1, 1, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 2, -1, 1, ये मेरे पास है, इनको 0 बना लेंगे हम पहले डायरेक्टली, मैं आपको डायरेक्टली चेंज करके बताता हूँ, 1, 0, 0, 1, 1, 2, ठीक है, एंड 2, -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका -1, क्लियर हो गया। अब इसको 0 बना लोगे, इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 5 हो जाएगा। तो ये क्या आया, 3 नाउ जीरोज हैं, ठीक है, और डायमेंशन भी 3 थी, डायमेंशन भी 3 थी, उसमें 3 नॉन जीरोज भी हैं, तो 3 नॉन जीरोज अगर इक्वल हो रहा है, नॉन जीरोज अगर इक्वल हो रहा है डायमेंशन ऑफ R3 के, तो पक्की बात ये हो सकता है, तो ये क्या होगा मेरा, ये मेरा होगा क्या, बेसिस। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट चेक करें, नेक्स्ट मेरे अगला है आपके पास 1, 1, 2 एंड 1, 2, 5 एंड 5, 3, 4, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं,
क्या होगा 100 15। अब इसको देखते हैं, इसमें 1 से माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1, माइनस 5 हो जाएगा और 3 में ऐड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0 एंड माइनस 2 यानी ये हो जाएगा 3 एंड माइनस 2 10 एंड 4 जाएगा माइनस 6। कंफर्म हो गया। अब इसको चेक कर लेते हैं, 115 इसमें 3 से माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 000। इसमें देखो इसमें 2 नॉन जीरो रो है, 2 नॉन जीरो रो है और डायमेंशन कितनी थी, डायमेंशन मेरे पास R3 की कितनी थी 3, और ये इससे क्या है लेस है। अगर इससे लेस है यार तो ये क्या हो सकता है, बेसिस, नॉट बेसिस, ये बेसिस कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा खाली क्वेश्चंस की बनाऊंगा, अभी ऑब्जर्वेशन बचा हुआ है तो आई थिंक वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके ऑब्जर्वेशंस, देखो ऑब्जर्वेशन तभी आपको समझ में आएंगे जब आपने ये वीडियो मतलब अच्छे से समझा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन और समझ में आएंगे, फिर मैं उसमें क्वेश्चंस और कराऊंगा, अभी तो इनके बहुत क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।